दोस्तों बिग बॉस 16 तीन महीने के अपने लंबे सफर के बाद अपने ग्रैंड फिनाले से बस चंद दिन दूर ही है। शो को अपने 4 फाइनलिस्ट पहले ही मिल चुके हैं और 5वां फाइनलिस्ट बनने के लिए बचे हुए कंटेस्टेंट अपनी जान लगा रहे हैं। इस बीच बिग बॉस के बिंदास कंटेस्टेंट एमसी स्टैन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह बुरी तरह रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमसी स्टैन बिग बॉस 16 के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने निडर और बेपाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। स्टैन घर में ज्यादातर शांत ही नजर आते हैं, लेकिन फैंस के बीच उनका जबरदस्त क्रेज है। अब तक स्टैन शो से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन फिनाले से कुछ हफ्तों पहले उन्होंने शो में बने रहने का फैसला किया, जिसके लिए रैपर अब पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं कभी नहीं रोने वाले स्टैन को शालिनी भनोट की बातों ने इतना परेशान कर दिया कि वो टूट गए। अब शालिनी भनोट, शिव ठाकरे और स्टैन गार्डन एरिया में बैठकर बात कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान शालिनी कहते हैं कि शिव ठाकरे स्टैन से ज्यादा बिग बॉस 16 जीतने की काबिलियत रखते हैं। रैपर को शालिनी की ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो भड़क जाते हैं। शालिनी और उनकी थोड़ी झड़प भी हो जाती है और पहले भी उनकी हो रखी है, जिसके बाद स्टैन इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और रोते हुए स्टैन ने कहा कि हर कोई उन्हें नीचा दिखाता है, उनका मजाक उड़ाता है, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं फिर भी लोगों को उनसे दिक्कत है कि एकदम से वो कैसे स्टार बन गए, कहां से आए हैं वो, कैसे आए, सब ये जानने की कोशिश में लगे रहते हैं, कोई अपने काम से काम नहीं रखता। नाराज स्टैन ने यह भी खुलासा किया कि कैसे लोग उनके महंगे जूते, डायमंड ज्वेलरी का मजाक उड़ाते हैं। रैपर ने कहा कि जो अमीर हैं और महंगे जूते और कपड़े का शौक रखते हैं वो भी उन पे कमेंट करते हैं। जब लोगों के पास पैसा है तो उनको चीज़ों का मजाक क्यों बनाते हैं। दोस्तों ये चीज़ें तो चलती रह रही है। स्टैन जब भी थे शो में तो हमेशा अर्चना उनसे कहती थी कि सिर्फ फैंस के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हो, तुम अपने काबिलियत पे कुछ नहीं पहुँचे हो। तो बहुत चीज़ें स्टैन को सुनने को मिली है, लेकिन आखिरी टाइम में स्टैन जब ये बातें सुनते हैं तो वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि स्टैन थोड़े हैं इमोशनल, क्योंकि वो रियल हैं, जो उनके मुँह पर होता है वो बोल देते हैं। दोस्तों आप में से किसे स्टैन रियल लगता है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।